Closing of the American Mind, which is a famous text uh, by Alan Bloom, um, argues on a number of points. Firstly, Bloom believed that the modern university students were faced with certain social dilemmas, which became the cause of the closing of their minds. students are faced with certain social dilemmas. Social dilemmas. यानी समाजी कन्फ्यूजन्स माशरती कन्फ्यूजन्स वो कन्फ्यूजन्स जो रिलेशनशिप के ऊपर और सोसाइटी के बारे में मौजूद हैं और वो एक कॉज़ बन चुकी हैं ऑफ़ द क्लोजिंग ऑफ देयर माइंड्स उनके जहनों को बंद कर देने का या उनके जहनों को एक तरह से आ, किसी चीज़ को क्लोज़ डाउन कर देने का शट डाउन कर देने का एक एक बहुत बुरा रीज़न जो है वो ये है कि उन्हें माशरती डायलामज़ का सामना है उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशंस का सामना है जिनको शायद वो परसीव नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए अब वो सोशल डायलेमास क्या हैं लेट्स सी पहली बात है सेल्फ सेंटर्डनेस यानी अपनी जात तक محدود हो जाना या अपनी जात को ही अपनी जिंदगी का महफर बना लेना द डिटेरियेशन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स एंड द लैक ऑफ डिमांड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स इन द नेम ऑफ इंडिविजुअलिज्म लेड टू सेल्फ सेंटर्डनेस इन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअलिज्म एक वेस्टर्न फिलासफी है जिसके तहत एक शख्स अपनी ज़ात के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो खुद ही में मुकम्मल है वो दुनिया में अकेला आया है और उसे दुनिया से अकेले ही जाना है और वह अपने सब जो वो करता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सबल है और जो फ्यूचर में उसे मिलता है उसके लिए भी वो ख़ुद ही रिस्पॉन्सिबल है जिसमें से फैमिली यूनिट एक तरह से कट जाता है जबकि इसकी ज़िद कलेक्टिविज्म है जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी है जिसके तहत हम रिश्तों नातों में जुड़े हुए हैं और दूसरों के बिहेवियर्स और इमोशंस और चीज़ें भी हम पे असरअंदाज होती हैं जिस तरह ईस्ट में पेरेंट्स हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम है रिलेशनस हैं रिलेटिवस हैं और उसके बाद ऐसे त्यौहार हैं जिस जिसपे हम दूसरों को मिलते हैं ये कलेक्टिव फ़िलासफ़ी है जबकि इंडिविजुअल फ़िलासफ़ी में आप ख़ुद ही के लिए ज़िंदा हैं आप क्या खाते हैं क्या पहनते हैं एक ख़ास एज के बाद आपके पेरेंट्स उसके लिए रिलेटेड नहीं हैं उसके लिए ना तो उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा ना ही उन्हें यह कहा जाएगा कि आप इस चीज़ के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार हैं ना एट दैट पॉइंट वो ये कहते हैं कि लैक ऑफ डिमांड फॉर रिस्पेक्ट from पेरेंट्स यानी एक लैक ऑफ़ डिमांड है कि उन्हें माँ बाप से वो रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं चाहिए और ये किस नाम पे किया जा रहा है इंडिविजुअलिज्म के फिलॉसफी के नाम पे और ये लीड कहाँ कर रहा है टू सेल्फ सेंटर्डनेस इन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के अंदर जो सेल्फ सेंटेडनेस है यानी अपनी ज़ात ही को महवर बना लेना जिंदगी का उस तरफ ये चीजें लेकर के जा रही हैं एंड देन इक्वालिटी दूसरी बात इक्वलिटी या बराबरी की ग्रेजुअल एरेडिकेशन ऑफ डिफरेंस विद इन स्टूडेंट्स रिजल्ट इन द ऑफ़ नेशनल कैरेक्टर अब इक्वालिटी किस किस्म की ये सामने आ रही है वो ये है कि ग्रेजुअल एरेडिकेशन ऑफ डिफरेंसेज स्टूडेंट्स के, के दरमान या ग्रुप्स के दरमियान या माशरे के दरमियान जो डिफरेंसेज होते हैं वो डिफरेंसेज किसी तरह पॉजिटिव भी होते हैं लेकिन उनको ना देखना और उनकी उनका आहिस्ता आहिस् से ख़त्म हो जाना उनकी एक डिसअपियरेंस हो रही थी नेशनल कैरेक्टर की उस कैरेक्टर की जो कि स्टीरो के ऊपर बेस्ड था अमेरिका का वो कैरेक्टर दैट वी आर डेमोक्रेटिक वी आर यूनाइटेड वी आर टुगेदर इन द नेम ऑफ गॉड ये सब नारे जो थे ये सब जो इनके वो अलमबरदार थे ये अंडरमाइन हो रहे थे क्योंकि सोशल सिचुएशन ऐसी थी कि एक शख्स का एम्फोसिस सिर्फ उसकी अपनी जात पे था ग्रुप्स पे नहीं था ग्रुपिंग पे नहीं था और जब इंडिविजुअल्स का अपने डिफरेंसेस और अपने से मुख्तफ ग्रुप्स पे नहीं होगा तो फिर नेशनल कैरेक्टर जरूर अंडरमाइन होगा सो दिस वॉज फेसिंग द थर्ड डालामा वॉज रेस डिटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन द रेसिस इन अमेरिका और आपस में जो रेसेस डिफरेंट रेसेस या डिफरेंट जो आप कह लीजिए कि एथरेसिटीज के लोग हैं जो अमेरिका में आते हैं जिससे अमेरिका मरज़ वजूद में आया है वो बहुत हद तक उनका माशरा जो है वो इमिग्रेंट्स के ऊपर बेस्ड है और उन रेसिस के दरमियान बुरे ताल्लुक़ा यानि काले और गोरे यानि कि भूरे और एक दूसरे के ऊपर दूसरे रंग व नस्ल को जो इम्तियाज़ है वो सामने आता है और उनके रिलेशनशिप्स और डिविजन्स नज़र आती हैं बहुत से इलाके हैं जिनमें जिनको कहा जाता है कि ये जो है अफ्रीकन अमेरिकन के इलाक़े हैं ये जो है ये इटालियंस के इलाके हैं ये जो है ये स्पेनिश के इलाके हैं तो इस तरह की जो तकसीम है ये लीड करती है टू बैड रिलेशनस बिटवीन रेसेस और रेसेस के दरमियान ये चीज़ जो थी इस तरह के रिलेशनस पैदा होना एक ऐसे मुल्क के लिए जो जिसकी इकानमी बेस्ड हो ऑन डिफरेंट नैशनैलिटीज़ और पीपल फ्राम डिफरेंट नेशंस वो एक बहुत गैर मौजू बात थी एंड देन अबाउट सेक्स सेक्शुअल रेवोल्यूशन वॉज एट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम और जिनसी आज़ादी को उन्होंने एट्रीब्यूट किया कि ये फ्रीडम है ये आज़ादी है अगर आप जिनसी तौर पर आज़ाद हैं और जो चाहें कर सकें तो फिर इसको आज़ादी का नाम दिया गया और फेमिनिजम जिसमें हकू के नस्वाँ की बात होती है वॉज एट्रीब्यूटेड टू इक्वालिटी और उसको हमने एट्रीब्यूट किया एकवालिटी से या बराबरी से एंड एन देंड ब्लूम सेट नाइदर अचीव दोल और दोनों से कोई इंटेंडेड गोल या जो मंजिल वो हासिल करना चाहते थे वो नहीं मिल पाई। सेपरेटनेस सेपरेशन फ्रॉम प्लेसेस, बिलीफ एंड पर्सन प्रोड्यूस मेंटल स्टेट वेयर रिजर्वेशन एंड नर्वसनेस बिकम द डोमिनेंट नेचर और फिर अपने आप को जुदा कर लेना अपने आप को ला ताल्लुक कर लेना जगहों के साथ लोगों के साथ बिलीफ्स के साथ यानी जिस तरह के मजहबी बिलीफ्स हैं जिस तरह के कोई फिलोसॉफिकल बिलीफ्स हैं ये एक ऐसी मेंटल स्टेट प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर कन्फ्यूजन है नर्वसनेस है और रिजर्वेशन है यानी एक झिझक है तो उससे क्या सामने आता है कि यही चीजें डोमिनेंट हो जाती है इंसानों की नेचर यहाँ वो कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करते हुए नजर आते हैं कि लाताल्लुक की लीड करती है नर्वसनेस और कन्फ्यूजन की स्टेट से जो एक इंपॉर्टेंट परमानेंट कैरेक्टर बनता चला जा रहा था लोगों की पर्सनैलिटीज का और फिर डाइवोर्स यानी तलाक

जिसके तहत आप ये देखते हैं कि एक शख्स जो कि अपनी ही जिंदगी गुजारना चाहता है खुद ही पे इंसान तो उन वैल्यूज को छोड़ देता है जिसमें कुछ लेन देन हो जिसमें कुछ डिफरेंसेस को आप एब्सॉर्ब करते हैं कुछ डिफरेंसेस को आप डिस्कस करते हैं कुछ डिफरेंसेस को आप खत्म करते हैं तो लोग इस प्रोसेस को बाईपास करके आने लग गए थे टूवर्ड्स तो अ स्मूदर सेलिंग एनवायरमेंट विच इज जस्ट ए और डू नॉट गेट मैरिड Or if you are married and if you are irritated because of certain things, then just finish off with the relationships. And lastly, about love, students have lost the ability to say, I love you. Now, at that point, ब्लूम uh, बिलीव के किसी भी रिश्ते की बुनियाद जो है वो मोहब्बत पे होनी चाहिए लेकिन स्टूडेंट्स आपस में इतने फेयर रहना चाहते थे और ये कहना किसी को कि मुझे तुमसे मोहब्बत है अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है तो ये बिल्कुल कहना ही ख़त्म कर डाला यानी ऐसी चीज़ें जो किसी तरह भी जज्बात से एहसास से और किसी भी तरह किसी इंसान की सेंसिटिव नेचर के साथ ताल्लुक़ रखती हैं उनके लिए अब जगह बाकी नहीं रही एंड रिलेशनशिप्स आर कैजुअल एंड नॉट बिल्ट ऑन लव और रिलेशनशिप्स बिल्कुल कैजुअल हैं जिसमें एक रिश्ता है कि अगर आज हम साथ हैं तो हो सकता है कल हम बिल्कुल साथ ना हो बट आई एम ऑल राइट विद दैट तो दिस वॉज लीडिंग टू डिसंटेशन विद द फैमिली कल्चर एंड विद द डोमेस्टिक कल्चर विद इन द सोसाइटी